हेलो स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को ये जानना है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या है और उसके बारे में थोड़ा सा आपको सीखना है, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप, जैसे मैंने थोड़ा सा पंप के बारे में मैंने इससे पहले भी आप लोगों को थोड़ा बहुत कुछ बताया हुआ है कि पंप क्या होता है, जो काम टरबाइन करता है जस्ट उसका अपोजिट काम करता है पंप, ठीक है। मतलब कि जब जो जो हमारा ये होता है, जो टरबाइन होता है वो क्या करता है कि हाइड्रोलिक एनर्जी को प्रेशर हाइड्रोलिक एनर्जी को आपका मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। लेकिन पंप क्या काम करता है कि मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मतलब अगर हम चाहें तो ये बोल सकते हैं कि ऐसी कोई हाइड्रोलिक मशीन जो कि मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में चेंज करती है, उसे हम लोग बोलते हैं पंप। पंप में आपको एक स्पेसिफिक टाइप पढ़ना है जिसे हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप बोलते हैं, ठीक है। देखिए करना क्या होता है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा अरेंजमेंट आपको बताती हूँ। होता क्या है कि जैसे क्या होता है, ये इधर एक मोटर लगा हुआ है, इस मोटर से एक रॉड कनेक्ट होता है जिसे हम लोग शाफ्ट बोलते हैं, और इस शाफ्ट में ऐसे कर्व्ड वेंस लगे होते हैं, वाटर जो होता है, अब ये क्या होगा, ये मोटर जो है ये इस शाफ्ट को घुमाएगी, ये शाफ्ट जो है ये वेंस घुमाएंगे, और वाटर जो है क्या होता है इन्हीं वेंस में जाता है, और फिर ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। जैसे अब इतना तो आपने समझ में आ गया। अब देखिए ये होता क्या है, सपोज़ ये पूरा रॉड है, इसमें ऐसे 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 पंप के वेंस लगे हुए हैं। अब ये क्या करेगा, ये घूम रहा है, वेन घूम रहा है, तो जो वाटर आएगा उसको भी घुमाएगा, तो ये कुछ इस तरीके घूमेगा। अब आप लोगों को अगर ध्यान हो तो फोर्स्ड वोर्टेक्स फ्लो में होता क्या था कि हम लोग उसमें क्या करते थे, ऐसे ऐसे फोर्स लगाते थे, तो वाटर भी ऐसे ऐसे घूमने लगता था। लेकिन होता क्या था कि कुछ इस तरह अगर है, तो अगर वाटर सरफेस ये है तो टी टाइम के बाद वाटर सरफेस जो है वो कुछ इस तरीके का बन जाता था। अगर आपको ध्यान हो तो, और ज़्यादा फोर्स लगाएंगे और ज़्यादा दूर तक ऐसे बढ़ता चला जाएगा। मतलब ये क्या हो रहा है, ये हाइट इंक्रीज हो रहा है। इसी प्रिंसिपल पे हमारा जो ये जो पंप है वो बेस होता है, ठीक है। तो हाइड्रोलिक एनर्जी जो है, अब ये जो हाइड्रोलिक एनर्जी में जो कन्वर्ट कर देता है, मतलब जो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, मैकेनिकल एनर्जी को बाद में हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये जो हाइड्रोलिक एनर्जी होती है ये हेड वाटर हेड यानी प्रेशर एनर्जी के फॉर्म में हमें मिलती है। अब ये जो मैकेनिकल एनर्जी है वो प्रेशर एनर्जी में जो कन्वर्ट हो जाती है वो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू कन्वर्ट होती है, और इस तरीके की जो मशीन होती है उसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप। ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था फोर्स्ड वोर्टेक्स फ्लो वाला, ये क्या होता है, ये सेंट्रीफ्यूगल पंप का कॉन्सेप्ट होता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो फ्लो होता है वो क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। रेडियली मतलब कि वाटर पहले ऐसे जाएगा, फिर ऐसे ऐसे रेडियली आउटवर्ड जो है जाएगा। आप लोगों ने दो तरीके के टरबाइन पढ़े होंगे, इनवर्ड रेडियल फ्लो, आउटवर्ड रेडियल फ्लो, रेडियल फ्लो का जो टाइप था उसमें, ठीक है। तो ये आउटवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन होता है, मतलब ये इनवर्ड रेडियल फ्लो टरबाइन का रिवर्स होता है, कुछ इस तरह के आप इसको सही तरीके में बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये सेंट्रीफ्यूगल पंप है वो प्रिंसिपल ऑफ फोर्स्ड वोर्टेक्स फ्लो पे वर्क करता है। इसका मतलब है कि कुछ मास ऑफ लिक्विड जो है वो एक्सटर्नल टॉर्क जो है मास ऑफ लिक्विड को घुमाता है, जिससे प्रेशर हेड में क्या होता है, राइज होता है। अब चूँकि आपको पता है कि फोर्स्ड वोर्टेक्स फ्लो में राइज इन प्रेशर हेड क्या होता है, वी स्क्वायर बाई टू जी होता है, और वी इक्वल टू ओमेगा इंटू आर होता है, यानी ये इक्वल टू होता है ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाई टू जी। मतलब कि प्रेशर हेड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ओमेगा के। मतलब जितना ज़्यादा तेज ये घूमेगा उतनी ही तेज जो है प्रेशर हेड जो है उतना ही ज़्यादा होगा।
ठीक है। अब देखिए आउटलेट ऑफ द, अच्छा इम्पेलर क्या होता है? इम्पेलर जो है जो रोटेटिंग पार्ट होता है, जो सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो बीच का रोटेटिंग पार्ट होता है, जो रॉड से कनेक्टेड था, उसे हम लोग इम्पेलर बोलते हैं। जहाँ पर जिसका अगर, और एक चीज़ और है कि अगर ये जो रेडियस, अगर रेडियस जी ज़्यादा होता है तो उसका भी प्रेशर हेड जो है वो ज़्यादा होता है, हाई प्रेशर जनरेट होगा। हाई प्रेशर, इस हाई प्रेशर की वजह से लिक्विड को हम लोग हाई लेवल इंक्रीज कर सकेंगे। कुछ मेन पार्ट्स सेंट्रीफ्यूगल पंप के मेन पार्ट्स के बारे में आप लोगों को जानना है, तो फर्स्ट होता है इम्पेलर, फर्स्ट है इम्पेलर, देन केजिंग, एंड देन सक्शन पाइप विद अ फुट वॉल एंड स्ट्रेनर एंड डिलीवरी पाइप। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम देख लेते हैं तो हमें समझने में आसानी होगी। ठीक, ये देखिए, ये जो बीच का पार्ट होता है, ये जो बीच का पार्ट होता है, ये इसे हम लोग बोलते हैं आई ऑफ द पंप। ये बीच का पार्ट है, ये रॉड का, समझे, एक रॉड का जो है, ये रॉड का जो है ऐसे क्रॉस सेक्शन ये आपको दिख रहा है। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या बनता है, ये जो दूसरा जो इसमें ब्लैक कलर से पहले से बना हुआ है, ये पार्ट जिसमें ऐसे वेंस लगे हुए हैं, ये हमारा इम्पेलर होता है। और ये जो वेंस लगे होते हैं इसे, ये जो हमारे होते हैं, ये रोटेटिंग वेंस होते हैं, यही घूमते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट है, नेक्स्ट जो पार्ट हमारा बना हुआ है वो क्या है, ये जो है ये क्या होता है, केजिंग है। ये आपको अगर ध्यान हो तो रिएक्शन टरबाइन के बारे में अगर आपने देखा है तो उसमें भी क्या होता है, एयर टाइट केजिंग बनी होती है, इसमें भी एयर टाइट केजिंग होती है। ठीक है, जब एयर टाइट केजिंग होती है तो मतलब सीधी बात है कि पूरे उसमें प्रेशर हेड जो है वो अवेलेबल होता है। वाटर का जो फ्लो का डायरेक्शन है वो देखिए कैसा है, वाटर का फ्लो का जो डायरेक्शन है, देखिए सेंटर यहाँ नीचे से वाटर आता है, सेंटर से ऐसे जाता है और फिर ये रेडियली आउटवर्ड देखिए फ्लो हो रहा है और फिर यहाँ से ये ऐसे वाटर ऐसे हाई लिफ्ट तक चला जाता है। कुछ और पार्ट्स के बारे में भी आपको जानना चाहिए। ये देखिए जो ये आउटलेट, अच्छा इनलेट और आउटलेट पार्ट क्या है ये भी जान लीजिए। ये पार्ट, ये जहाँ से इसमें इंटर किया, ये पार्ट जो है वो इसका इनलेट पार्ट है। ठीक, और ये पार्ट जहाँ से इसके बाद जिसको ये छोड़ दिया, वाटर जो है इस स्ट्रक्चर को छोड़ दिया, तो ये पार्ट आपका आउटलेट पार्ट है। ठीक, तो आउटलेट पार्ट के बाद का जो पाइप होता है, जो कि यहाँ से, जो कि ये पूरा लंबा सा पाइप होगा जो आगे जाके एक टैंक से कनेक्टेड होगा जिसमें वाटर जो है वो फिल किया जा रहा है इस पंप से। ठीक है, तो वो जो पाइप होता है, ये जो पाइप है इसे हम लोग बोलते हैं डिलीवरी पाइप। और इसमें एक वॉल्व लगा हुआ है, ये देखिए एक वॉल्व लगा हुआ है, इसे हम लोग बोलते हैं डिलीवरी वॉल्व। इसका काम क्या होता है डिलीवरी वॉल्व का, कि बस एक बार जब इसमें वाटर इसको क्रॉस करके आगे बढ़ गया तो फिर ये इसे वापस नहीं लौटने देता है, समझिए ऐसे कुछ वन वे टाइप का वॉल्व है ये। दूसरा पाइप जो लगा हुआ है, ये देखिए नीचे लगा हुआ है, ये इसका इनलेट पार्ट से नीचे लगा होता है, ये जो नीचे जहाँ से वाटर लिया जा रहा है वहाँ से लेकर इनलेट पार्ट, पंप के इनलेट पार्ट के बीच में लगा होता है, इस पाइप को हम लोग बोलते हैं सक्शन पाइप। सक्शन पाइप हो गया। नेक्स्ट हमारा होता है जहाँ जो वाटर का जो लेयर होता है, जिससे वाटर हमें ले के ऊपर तक जाना है, वो जो वाटर का लेयर होता है इसे हम लोग बोलते हैं सम्प, और जो लेयर होता है उसे बोलते हैं सम्प लेवल। ठीक, सम्प लेवल। इसके बाद ये जो सक्शन पाइप का जो नीचे वाला पार्ट होता है, इसमें क्या होता है, एक वॉल्व लगा होता है, एक ऐसा वॉल्व लगा, ये भी वन वे टाइप का वॉल्व होता है, मतलब एक बार वाटर इससे ऊपर चला गया तो किसी भी कारण से ये नीचे नहीं आ पाएगा, डायरेक्शन नीचे नहीं हो पाएगी, वन वे वॉल्व होता है ये। दूसरा चीज़ है इसमें स्ट्रेनर लगा होता है, स्ट्रेनर मतलब कि ये देखिए ये स्ट्रेन करता है, मतलब छानता है, वाटर जो इसके अंदर आएगा ये इसके थ्रू होके जाएगा, तो जो थोड़ा सा इम्प्योरिटीज़ हैं वो थोड़ा सा यहाँ पे रुक जाती हैं, अब इम्प्योरिटीज़ तो नहीं लेकिन मिट्टी के टुकड़े वगैरह इन सब को ये थोड़ा स्ट्रेन कर देता है। ठीक, इसमें अभी आप लोगों को लगभग पूरा डायग्राम मैंने आपको, अच्छा ये जो केजिंग भी आपको दिख रही है, ये भी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ केजिंग है जिसे हम लोग बोलते हैं वॉल्यूट केजिंग बोलते हैं। ठीक, अब देखते हैं इसके
मेन कंपोनेंट्स के बारे में समझते हैं। ओके, सबसे पहला पार्ट जो है वो है इम्पेलर। इम्पेलर क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल पंप का रोटेटिंग पार्ट होता है जो सेंटर में लगा था, उसे इम्पेलर बोलते हैं। इसमें बैकवर्ड कर्व्ड वेन्स लगी होती हैं, सीरीज बहुत सारी बैकवर्ड कर्व्ड वेन्स लगी होती हैं। एक शाफ्ट में लगा होता है ये जो इम्पेलर है वो एक शाफ्ट से कनेक्टेड होता है, और फिर शाफ्ट जो है वो इलेक्ट्रिक मोटर से कनेक्टेड होती है। मतलब कहने का मतलब ये है, इलेक्ट्रिक मोटर से शाफ्ट लगी होती है और फिर इसी से ये इम्पेलर लगा होता है, और इसी में क्या होती हैं ऐसे ऐसे कर्व्ड वेन्स लगी होती हैं। ये जो पार्ट होता है ये इम्पेलर होता है, यही रोटेट करता है। शाफ्ट रोटेट होगा तो ये भी रोटेट करेगा। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है केजिंग। केजिंग क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो केजिंग होता है वो वैसी ही है जैसी रिएक्शन टरबाइन में यूज़ थी। वो भी क्या थी? एयर टाइट थी, और सराउंड इम्पेलर को जो सराउंड करती थी। ये देखिए यहाँ पर ये क्या है, इम्पेलर के चारों ओर है। केजिंग का काम ही सराउंड करना होता है। ये देखिए ये पूरा है इम्पेलर। इम्पेलर के चारों ओर ये जो है ये केजिंग है, मतलब इम्पेलर को सराउंडिंग प्रोवाइड कर रही है, सराउंडिंग है। इन सच ए वे दैट, और एक चीज़ और जो इसमें इस तरीके की जो केजिंग होती है उसमें क्या होता है कि चूँकि जो वाटर आ रहा है उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, तो वो क्या करता है काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इस तरीके की जो केजिंग यहाँ पर यूज़ की जाएगी काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करते थे। आपको ध्यान है टरबाइन में इसी तरीके की केजिंग को डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इसमें पहले क्या था टरबाइन में यही केजिंग यूज़ थी, और वो पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए थी। अभी उसी चीज़ को अगर डायरेक्शन पलट दिया जाए तो वही काम काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। तो जो वाटर केजिंग से बाहर निकलेगा उसमें डिलीवरी पाइप में जाएगा, उसमें सिर्फ कौन सी एनर्जी होगी? प्रेशर एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होगी। अब केजिंग के भी टाइप हैं, तीन टाइप की केजिंग यूज़ की जाती है पंप में, वॉल्यूट केजिंग, वोर्टेक्स केजिंग और केजिंग विथ गाइड ब्लेड्स। ओके, जो अभी आप लोगों ने डायग्राम जो देखा था वो वॉल्यूट केजिंग के था। अब आप इसके थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं कैसे है ये। देखिए है क्या इसमें, अगर आप ध्यान से देखें तो जैसे ही ये इंट्रेंस पे गया, इंट्रेंस के बाद ये यहाँ पे निकला, तो देखिए जो क्रॉस सेक्शन एरिया अवेलेबल है, जैसे जैसे वाटर आगे बढ़ रहा है क्रॉस सेक्शन एरिया जो अवेलेबल है वो क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ता जा रहा है, इस चीज़ को लिख लेते हैं। क्रॉस सेक्शन एरिया जब बढ़ता जा रहा है, और क्यू तो एज इट इज़ है, क्यू तो उतना ही है, जब क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ता जा रहा है क्यू इतना ही है, तो मतलब जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है वेलोसिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है आगे जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वेलोसिटी कम होती जा रही है, तो वेलोसिटी हेड मतलब वी स्क्वायर बाई टू जी भी कम होता जा रहा है, लेकिन एनर्जी तो उतनी ही रहेगी। तो अगर वेलोसिटी हेड कम होता जा रहा है तो मतलब कोई तो एनर्जी बढ़ेगी, कोई तो एनर्जी हेड बढ़ेगा, तो मतलब प्रेशर हेड जो है वो बढ़ता जाता है, यही हमारा काम है। क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है बढ़ता जाता है, सेम क्यू के लिए हमें वेलोसिटी क्या होगी, आगे बढ़ते बढ़ते कम होती जाएगी, वेलोसिटी कम होती जाएगी तो वेलोसिटी हेड कम होता जाएगा, वेलोसिटी हेड कम हो जाएगा तो प्रेशर हेड भी कम होता जाएगा, तो सॉरी प्रेशर हेड जो है वो बढ़ता चला जाएगा, यही हमें काम करवाना था इसे, ठीक। तो कुछ इस तरह जो है वो प्रेशर हेड को बढ़ाता है। अब देखते हैं इसमें क्या है। देखिए वॉल्यूट केजिंग, इट इज़ अ स्पायरल टाइप ऑफ केजिंग इन विच द एरिया ऑफ फ्लो इंक्रीजेज ग्रेजुअली। इसमें जो है धीरे धीरे क्या होता जाता है, एरिया इंक्रीज होता जाता है। एरिया इंक्रीज होने की वजह से वेलोसिटी ऑफ फ्लो जो है वो कम होता जाता है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो में कम होने की वजह से प्रेशर हेड जो है वो आगे बढ़ता चला जाता है। ये बात ऑब्जर्व की गई है केस ऑफ वॉल्यूट केजिंग एफिशिएंसी जो है वो कम होती है। क्यों? क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस होता है, क्योंकि एडीज का फॉर्मेशन हो जाता है। क्योंकि देखिए डायरेक्शन जो है यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो जो वाटर है वो यहाँ से ऐसे ऐसे जा रहा है और ये डायरेक्शन ऐसे जा रहा है, तो एडीज फॉर्म हो जाती हैं, ठीक। जब एडीज फॉर्म हो जाएंगी तो सीधी बात है लॉसेस बढ़ जाएंगे, और लॉसेस बढ़ने की वजह से एफिशिएंसी जो है वो
कम हो जाएगी, जब एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो इसके लिए दूसरा टाइप ऑफ केजिंग बनाया गया जिसे हम लोग बोलते हैं वोर्टेक्स केजिंग। अब देखिए वोर्टेक्स केजिंग क्या है, डायग्राम में देख लेते हैं पहले। ये देखिए वोर्टेक्स केजिंग जो है वो सेम जैसे अभी जो आपने वॉल्यूट केजिंग पढ़ा सेम वैसी है, सिर्फ एक इसमें डिफरेंस है कि ये जो देखिए रेड कलर से ये जो एक चैम्बर अलग से बना दिया गया है ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है। इस चैम्बर को हम लोग बोलते हैं वोर्टेक्स चैम्बर। इसका काम क्या होता है, जो पहले जो वॉल्यूट केजिंग में जो एडीज फॉर्म हो रही थी वो अब इसमें नहीं होती हैं, क्योंकि क्योंकि क्या होता है कि ये चैम्बर बीच में जो लगा हुआ है वो एरिया जो है, देखिए एरिया जो है यहाँ से इसके बीच जो है ये जो एरिया है वो क्या होता है सेम होता है। इसके बाद ये जो है एरिया बढ़ाता है, ठीक, पहले इस चैम्बर में आ जाता है फिर इसके बाद यहाँ पे एरिया बढ़ता है, तो जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होता। मतलब पहले क्या हो रहा था देखिए जो वाटर था वो ये वेंस से गया और फिर ऐसे जाके ऐसे, तो इधर से और इधर से फ्लो हो रहा था तो वो टकराता था तो एडीज फॉर्म होती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, चैम्बर लगा हुआ है, पहले वाटर इसमें जाएगा और फिर इसके बाद ये आउटर साइड में जाएगा, तो इससे और एरिया बढ़ेगा धीरे धीरे आउटर साइड में, तो इट मीन्स कि एडीज का फॉर्मेशन जो है वो बहुत कम हो जाता है। तो इसमें एफिशिएंसी जो है वो ज़्यादा हो जाती है इन कंपैरिजन टू वॉल्यूट केजिंग। ओके, अब देखते हैं इसमें क्या है। सर्कुलर चैम्बर इसमें लगा दिया जाता है केजिंग और इंपेलर के बीच में। इस तरीके की केजिंग को हम लोग बोलते हैं वोर्टेक्स केजिंग। अब सर्कुलर चैम्बर लगाया है तो इसकी वजह से क्या होता है, लॉस ऑफ एनर्जी भी कम हो जाती है, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ एडीज जो है वो कम हो जाता है, एक काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। इसलिए जो इसकी एफिशिएंसी होती है वो वॉल्यूट केजिंग के कंपैरिजन में क्या होती है, ज़्यादा होती है। जो थर्ड टाइप है केजिंग का वो क्या है, केजिंग विद गाइड ब्लेड्स। पहले इसको देख लेते हैं। ये देखिए ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये वाला जो डायग्राम है वो क्या है, वॉल्यूट केजिंग का है। वॉल्यूट केजिंग में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा टर्म प्रोवाइड किया जाता है, उसे बोलते हैं हम लोग गाइड वेन्स। गाइड वेन्स प्रोवाइड की जाती हैं। अब देखिए क्या किया गया है, ये है इम्पेलर, ये है इम्पेलर, ये जो ब्लैक कलर से बना हुआ है जिसमें ग्रीन लाइन कर रही हूँ, ये है इम्पेलर। और इम्पेलर के बाहर जो है वो वेन्स का एक सेट लगा दिया जाता है जिन्हें हम बोलते हैं गाइड वेन्स, जो कि क्या करती हैं, वाटर को गाइड करती हैं। जब गाइड करेंगी तो इरेगुलैरिटीज़ नहीं होती हैं, और जो पहले केस में जो एडीज बन रही थी वो एडीज जो है अब फॉर्म नहीं होती हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या किया जाता है, गाइड वेंस में डाला जाता है और फिर एरिया जो है वो इंक्रीज़ होता है धीरे धीरे, ठीक है। देखिए एरिया जो है, अब यहाँ पर एरिया इंक्रीज़ होने का तरीका थोड़ा अलग है, कैसे, पहले देखिए यहाँ पे रेडियस का जैसे जैसे ऐसे जा रहे हैं तो जो रेडियस है वो तो बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे आउटर साइड में जा रहे हैं तो क्या होगा कि वाटर जो है सेंटर से ऐसे वाटर आएगा ऊपर की साइड, इधर से जाएगा इंपेलर से निकल के गाइड वेंस में जाएगा, एरिया जो है अब देखिए यहाँ पर एरिया इतना था, अब यहाँ पर एरिया ज़्यादा हो गया है, तो अब जब एरिया ज़्यादा हो गया है तो वेलोसिटी जो है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, ठीक है। तो यही केस ये हर एक गाइड वेन से निकलने के लिए ऐसे ऐसे यही होगा, हर इसमें एरिया जो है पेरीमीटर, देखिए पेरीमीटर बढ़ता है ना, तो मतलब एरिया भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, फ्लो का एरिया बढ़ता जा रहा है, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, रेडियली आउटवर्ड है, और फिर ये यहाँ से होकर फिर ये ऐसे ऊपर के साइड वाटर जो है चला जाता है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसमें क्या है, इस तरीके में क्या होता है, इम्पेलर जो है वो एक सीरीज ऑफ गाइड वेन्स से कलेक्टेड, गाइड ब्लेड्स बोलते हैं उनसे कनेक्टेड होता है एक रिंग टाइप में, जिसे हम लोग बोलते हैं डिफ्यूज़र। ये जो गाइड वेन्स जो बनती हैं इस गाइड ब्लेड्स भी बोलते हैं और डिफ्यूज़र भी बोलते हैं। जो गाइड वेन्स होती हैं वो इस तरह डिज़ाइन की जाती हैं, तो जो वाटर है वो इम्पेलर से बाहर निकलता है, गाइड वेन्स में जाता है और बिना कुछ रुके हुए, रुकता नहीं है वाटर, लगातार जाता है, और एरिया ऑफ गाइड वेन्स जो है वो बढ़ता जाता है। इस तरह क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो जो है वो कम होता जाता है गाइड वेन्स के थ्रू, और जो प्रेशर में क्या कर देता है, इंक्रीज़ कर देता है और गाइड वेन्स से जो वाटर होता है वो कहाँ जाता है, सराउंडिंग केजिंग में जाता है, इसके बाद जो है वो डिलीवरी पाइप से टैंक में चला जाता है।
इसके अलावा एक चीज़ और इसमें बताई गई है कि गाइड वेन्स, इम्पेलर की वेन्स और इम्पेलर, इनका जो सेंटर होता है और केजिंग, इन सब का जो सेंटर होता है वो सेम होता है, मतलब ये सभी कॉन्सेंट्रिक होती हैं। नेक्स्ट जो आपका पार्ट है वो क्या है, सक्शन पाइप। इसमें आपको क्या देखना है, सक्शन पाइप विद अ फुट वॉल्व एंड अ स्ट्रेनर। कुछ चीज़ें मैंने इसके बारे में आपको बता दी हैं, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ए पाइप, एक पाइप है। सक्शन पाइप क्या होता है, एक ऐसा पाइप है जो कि क्या होता है, एक इंड जो है वो इसका सेंटर ऑफ दी, मतलब एक जो है वो इनलेट ऑफ दी पंप से कनेक्टेड होता है और दूसरा जो है वो वाटर यानी सम्प में डूबा हुआ होता है, इसे हम लोग बोलते हैं सक्शन पाइप। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को यही बताया था कि ये देखिए, ये है सक्शन पाइप, ये इनलेट, ये जो है ये इनलेट ऑफ दी पंप, और ये जो नीचे जो यहाँ जहाँ से वाटर लेना है, ये जो पाइप जो यहाँ से वाटर लेके इसको इनलेट में देता है, ये पाइप आपका क्या है, ये सक्शन पाइप होता है। ठीक है, इसी के बारे में आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, एक फुट वॉल्व भी लगा होता है, वो क्या होता है, वो नॉन रिटर्न वॉल्व होता है, मतलब वन वे टाइप ऑफ वॉल्व होता है। इसमें क्या होता है, सिर्फ एक डायरेक्शन में ओपन होता है, और वो डायरेक्शन क्या होती है, अपवर्ड डायरेक्शन में होती है। सबसे नीचे एक स्ट्रेनर भी लगा होता है जो कि सक्शन पाइप के सबसे नीचे उसमें, क्योंकि क्या करता है, वो फिल्टर करने का काम करता है। नेक्स्ट में, लास्ट में जो है वो एक डिलीवरी पाइप होता है। डिलीवरी पाइप देख लीजिए दोबारा से, ये है डिलीवरी पाइप। आउटलेट पार्ट से ऊपर डिलीवरी, जो ऊपर जो लगा हुआ है टैंक, वहाँ तक जो एक पाइप जो लेके जाता है उसे हम लोग बोलते हैं डिलीवरी पाइप। और एक वॉल्व लगा होता है, ये भी वन वे होता है, इसे हम लोग बोलते हैं डिलीवरी वॉल्व। ठीक है, एक पाइप ऐसा है जो कि आउटलेट ऑफ द पंप से कनेक्टेड होता है और दूसरी साइड जो है वो सिंड से कनेक्टेड होता है जहाँ पे वाटर को रिक्वायर्ड हाइट तक पहुँचाना होता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं डिलीवरी पाइप। ठीक, ठीक है, अब ये बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है।